जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज साधन सुधा सिंधु पुस्तक के अंदर शरणागति के विषय में कहते हैं, शरणागत भक्त मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस भाव को दृढ़ता से पकड़ लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो उसकी चिंता भय शोक शंका आदि दोषों की जड़ कट जाती है, अर्थात दोषों का आधार कट जाता है। कारण कि भक्ति की दृष्टि से सभी दोष भगवान की विमुक्ता पर ही टिके रहते हैं। भगवान के सन्मुख होने पर भी संसार और शरीर के आश्रय के संस्कार रहते हैं, जो भगवान के संबंध की दृढ़ता होने पर मिट जाते हैं। उनके मिटने पर सब दोष भी मिट जाते हैं। भगवान के संबंध की दृढ़ता होने पर जब संसार शरीर का आश्रय सर्वथा नहीं रहता, तब जीने की आशा, मरने का भय, करने का राग और पाने का लालच, ये चारों ही नहीं रहते। संबंध का दृढ़ होना क्या है? चिंता, भय, शोक, शंका, परीक्षा और विपरीत भावना का न होना ही संबंध का दृढ़ होना है। अब इन पर विचार करें। निश्चिंत होना। जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, तब उसको लौकिक पारलौकिक किंचित मात्र भी चिंता नहीं होती, अर्थात अभी जीवन निर्वाह कैसे होगा, कहाँ रहना होगा, मेरी क्या दशा होगी, क्या गति होगी आदि चिंताएं बिल्कुल नहीं रहती। क्योंकि चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद। भगवान के शरण होने पर शरणागत भक्त में यह एक बात आती है कि अगर मेरा जीवन प्रभु के लायक सुंदर और शुद्ध नहीं बना, तो भक्तों की बात मेरे आचरण में कहाँ आई, अर्थात नहीं आई, क्योंकि मेरी वृत्तियाँ ठीक नहीं रहती। वास्तव में मेरी वृत्तियाँ हैं ऐसा मानना ही दोष है। वृत्तियाँ उतनी दोषी नहीं हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियाँ, शरीर आदि में जो मेरापन है, यह बड़ी गलती है। क्योंकि जब मैं भगवान के शरण हो गया और जब सब कुछ उनके समर्पित कर दिया, तो मन, बुद्धि आदि मेरे कहाँ रहे। इस वास्ते शरणागत को मन, बुद्धि आदि की अशुद्धि की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, अर्थात मेरी वृत्तियाँ ठीक नहीं हैं, ऐसा भाव कभी नहीं लाना चाहिए। किसी कारणवश अचानक ऐसी वृत्तियाँ आ भी जाएं, तो आर्त भाव से पुकारो, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे प्रभु को पुकारना चाहिए। क्योंकि वे मेरे अपने स्वामी हैं, मेरे सर्व समर्थ प्रभु हैं, तो अब मैं चिंता क्यों करूं। और भगवान ने भी कह दिया है कि तू चिंता मत कर, मां शुचः, इस वास्ते मैं निश्चिंत हूं। ऐसा कहकर मन से भगवान के चरणों में गिर जाओ और निश्चिंत होकर भगवान से कह दो, हे नाथ, यह सब आपके हाथ की बात है, आप जानो। सर्व समर्थ प्रभु के शरण भी हो गए और चिंता भी करें, ये दोनों बातें बड़ी विरोधी हैं। क्योंकि शरण हो गए तो चिंता कैसी, और चिंता होती है तो शरणागति कैसी। इस वास्ते शरणागत को ऐसा सोचना चाहिए कि जब भगवान यह कहते हैं कि मैं संपूर्ण पापों से छुड़ा दूंगा, तो क्या ऐसी वृत्तियों से छूटने के लिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा क्या। मैं तो बस आपका हूँ, हे भगवान, मेरे में वृत्तियों को अपना मानने का भाव कभी आए ही नहीं। हे नाथ, शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण, बुद्धि, ये कभी मेरे दिखे ही नहीं। परंतु हे नाथ, सब कुछ आपको देने पर भी ये शरीर आदि कभी कभी मेरे दिख जाते हैं। अब इस अपराध से मेरे को आप छुड़ाएं। ऐसा कहकर निश्चिंत हो जाओ। ऐसा कहकर
निश्चिंत हो जाओ। जय श्री राधे। कृपा कृपा सो कृपा सो कृपा सो कृपा सो कैसे विसर गए 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 नित की बानी होती करुणा की नित की बानी होती करुणा की अब विपरीत कृपा सो कैसे विसर गए कृपा सो कैसे विसर कृपा सो कैसे विसर नहीं सही जातु तीर दुखियन की नहीं सही जातु तीर दुखियन की मूरत कृपा कृपा सो कैसे विसर गए कृपा सो कैसे विसर गए कृपा सो कैसे विसर हम अब तीरथ कौन दे हम अब तीरथ कौन दे अंगुरी कान दई कृपा सो कैसे विसर गई कृपा सो कैसे विसर कृपा सो कैसे विसर गए युग वही चाल चलिया युग युग वही चाल चलिया अब कछु नहीं कृपा सो कैसे विसर गए कृपा सो
कैसे बिसर गई कृपा सो कैसे बिसर गई कृपा सो कैसे बिसर गई भोरी बिरिया सहज कृपाली भोरी बिरिया सहज कृपाली भोरी बिरिया सहज कृपाली कौन सी रीत थई कृपा सो कैसे बिसर गई कृपा कैसे बिसर गई कृपा कैसे बिसर गई कृपा कैसे बिसर गई कृपा कैसे बिसर कैसे बिसर गई जय